मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करूं? मम्मी को फोन करूं? नहीं नहीं, ये बात किसी को बताऊं भी तो कैसे? मुझे भी सच नहीं बताओगे? दया भाभी, अंजलि भाभी, मैं समझ गई थी, दर्द सर में नहीं दिल में है। क्या हुआ? मेहता साहब ने कुछ कहा? अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी आप रो रहे हैं। अंजलि भाभी प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। मैं तो साहब को फोन करके बुलाऊं? उन्हें बिल्कुल मत बुलाइए, ये जो कुछ भी हुआ है ना उनके कारण ही हुआ है। क्या? हाँ, मतलब तारक की जिंदगी में वो है, वो मतलब पति पत्नी और वो वाली वो। अब तारक मुझसे प्यार नहीं करते। ओ, पति जी। नहीं अंजलि मम्मी, ये आप क्या कह रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आपकी कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसा किया है दया भाभी। हाँ, अभी अभी आपने चार खतरे की निशानी कही थी ना, हाँ। वही सब मेरे साथ हो रहा है। पहले वो मेरी बहुत तारीफ करते थे, आजकल नहीं करते। उनको तो आजकल मेरे हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, और आपको पता है आजकल वो घर भी लेट आते हैं और हमेशा इस लड़की के साथ चैटिंग करते रहते। चैटिंग? चैटिंग, लैपटॉप पे बैठ के दिन रात इस लड़की के साथ बातें करते रहते। ओ अच्छा, चैटिंग। जी बावली का ही की चापली। नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या, अभी तारक के ऑफिस जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। नहीं 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 अंजलि भाभी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए जरा, शांत हो जाइए प्लीज। मेरी माँ हमेशा कहती है शंका दीमक की तरह होती है, जैसे दीमक धीरे धीरे करके पूरी लकड़ी को खा जाता है, ठीक वैसे ही शंका धीरे धीरे करके हमारे लग्न जीवन को खत्म कर देता है। और माँ ये भी कहती है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और गुस्से में इंसान अपना विवेक भूल जाता है। अभी आप गुस्से में मेहता साहब को कुछ कहेंगे और मेहता साहब का मूड भी ठीक नहीं होगा और वो भी आपको कुछ कहेंगे तो छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? शांति शांति अंजलि भाभी, शांति। देखिए बहुत गुस्सा है ना तो सर पर पानी डाल देना चाहिए। तो मैं मेरे सर पे पानी डालूं? मतलब गुस्से के ऊपर पानी डाल देना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम ओम शांति। लेकिन दया भाभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना सब कुछ हो गया तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? आप रोइए मत जी भाभी, आप रोइए मत। क्या करूं? समझ सकती हूँ मैं, पर अंजलि भाभी मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम अभी की अभी ये सबूत लेकर टप्पू के पापा के पास जाते हैं। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म मसालेदार चाय। वाह 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 वाह, थैंक यू बगा। और ये आप लीजिए। अय्यर भाई का फोन है, इसको रिपेयर करना है। इसमें कुछ पानी बनी गिरा था तो जरा देख ले। ओ ठीक है सेठ जी।
चुप्पू के पापा। अरे दया, अंजलि भाभी आप लोग अचानक यहाँ? नमस्ते सेठानी जी, पड़ोसी सेठानी जी नमस्ते। अरे भाई नमस्ते बाद में कर, जरा कुर्सी तो दे। अरे हाँ लाला, जल्दी जल्दी लीजिए, बैठिए 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 अंजलि भाभी, बैठिए अंजलि भाभी बैठिए, आप भी बैठिए। अरे दया, कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं, सीधे आप लोग इधर आ गए। वो अंजलि भाभी को आपसे कुछ काम था। अरे अंजलि भाभी, एक फोन कर दिया होता, आपको जो चाहिए घर पे पहुंच जाता, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, यहाँ तक खम का धक्का खाया आपने। नहीं नहीं वो नहीं, उनको कुछ दूसरा काम है। अच्छा हाँ बोलिए। अरे बागा तू खड़ा क्या भाई, वो फोन अर्जेंट देना यार भाई को, फटाफट रिपेयर कर भाई, चल। जी सेठ जी, सिठानी जी, पड़ोसी सिठानी जी, वो अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है, चलता हूँ। चलो चलो जल्दी। हाँ बोलिए। अरे अंजलि भाभी, अरे भैया क्या हुआ, अंजलि भाभी रो क्यों रहे? अरे अभी दया क्यों रो रही है अंजलि भाभी, आप दोनों क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? एक मिनट में पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, हम दोनों को अभी पान खाने का मूड नहीं है। अरे पान नहीं पानी, भाई रोना बंद करता ठीक से सुनाई देगा, पानी पानी लेके आता हूँ। पर हमें पानी भी नहीं पीना है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं लाता हूँ पानी, लेकिन क्या हुआ जरा बताओ तो, रोना बंद करो प्लीज, देखे वरना मुझे भी रोना आ जाएगा प्लीज। अंजलि भाभी के जीवन में आग लग गई है। क्या? कैसे? और वो आग आपके फायर बिगड़ में लगाई है। मतलब सबने? मतलब क्या किया उन्होंने? अबे मेरे उठा रखे पीछे एक तट्टी भाभी कह रही है कि उन्हें शक है कि मेहता साहब का किसी और के साथ चक्कर है। क्या क्या? अरे ये कैसे हो सकता है अंजलि भाभी, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आपको मानना होगा जेठा भाई, क्योंकि ऐसा हुआ है। एक मिनट, विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए आपके दोस्त किसी के साथ दिन रात बातें करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, अपनी आंखों से देखिए। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? बदसूरत कौन है ये? यही है वो लड़की जेठा भाई, नाम है कविता, जिसके साथ आपके दोस्त का चक्कर चल रहा है। पढ़िए क्या क्या बातें करते, देखिए। उसके साथ चैटिंग, मेरे साथ चीटिंग, ये दया भाभी। मुझे कुछ ये कैसे हो सकता है, मेरी आंखें जो देख रही है, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। मेहता साहब ने कभी इसका मेरे सामने कोई जिक्र ही नहीं किया, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। अरे ऐसी बातें कोई किसी को थोड़ी ना बताता है, अगर आपका किसी के साथ चक्कर होगा तो आप थोड़ी ना किसी को बताएंगे। अरे क्या बोल रही है दया तू, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अरे मेहता साहब भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर। नहीं कर सकते तो ये सब क्या है जेठा भाई, बोलिए। एक मिनट, अभी फोन करके पूछ लेते हैं ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं उठाएंगे वो फोन,
सुबह से कितनी बार मैंने फोन किया, मेरा एक फोन नहीं उठाया। शायद मेरा उठा ले, एक मिनट मैं लगाता हूँ, शायद मेरा फोन उठा ले तो पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, कहाँ हूँ भाई, थोड़ा अर्जेंट काम में मिलना है आपको जरा। नहीं नहीं यार जेठालाल, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। एक पाँच मिनट खाली आपसे मिलना है, पाँच मिनट खाली। नहीं नहीं जेठालाल, पाँच मिनट के लिए भी नहीं मिल सकता, घर आने के बाद बात करते हैं ना। ओके चलो भाई। हेलो हेलो, क्या हुआ? दूध का दूध हो गया कि दूध फट गया? नहीं वो बोल रहे थे बिजी है, ऑफिस में तो आदमी बिजी ही होगा ना। नहीं जेठा भाई, मुझे भी ऐसा ही कहते हैं, अंजलि मैं बिजी हूँ, पर उस लड़की के साथ बातें करते रहते हैं। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, मैं मेहता सबके ऑफिस जाता हूँ और उनका कान पकड़ता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरे सामने सब कुछ उगल देंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा। क्या करूं, कहां जाऊं, और अगर मैं उन्हें इतनी ही नापसंद हूं तो मैं तो मेरे मैं के चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर दया, तो अंजलि भाभी को घर लेके जा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंजलि भाभी सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी मतलब सबके ऑफिस जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, इनको अकेला मत छोड़ना, साथ में ही रहना। अब चलिए चलिए। जीता भाई थैंक यू, आप बेफिक्र होके जाइए, अंजलि भाभी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। समझ में नहीं आता फायर ब्रिगेड खुद कैसे आग लगा सकते हैं। हाँ अगर किसी ने फायर ब्रिगेड में पानी की जगह पेट्रोल भर दिया हो तो हो सकता है। सच में कोई पेट्रोल पंप वाली फायर ब्रिगेड की जिंदगी में आई होगी, या फायर ब्रिगेड खुद ही पहुंच गए पानी की जगह पेट्रोल भराने? पेट्रोल पंप जाके पता लगाना ही, मतलब मेहता साहब की ऑफिस जाके पता लगाना ही पड़ेगा। मंटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा अंगत काम से बाहर जा रहा हूँ, तो जरा दुकान संभाल लेना। जी सेठ जी। हाँ सेठ जी। हाँ ये मोबाइल रिपेयर हो गया है। वेरी गुड, अब चेक कर लीजिए। मैंने अभी टाइम नहीं है भाई, तूने देख लिया ना, चल रहा है ना बराबर। हाँ तो गल्ले के पास रख दे, बाद में घर जाते वक्त मैं लेके जाऊंगा। जी। जय जिनेन्द्र जेठालाल। विनोद भाई आप? क्या बात है, क्या फिर से कोई नई होटल खोल रहे हैं? हाँ नड्डू काका। अच्छा इस बार कितने रूम की? 55 रूम की, और उसके लिए ही LCD और फ्रिज का ऑर्डर देने आया हूँ। अरे वाह। अरे बाप रे, मैं तो सबकी ऑफिस जाना है लेकिन विनोद भाई को छोड़ के कैसे जाऊं? ये आपने बहुत गलत किया विनोद भाई। क्या इतना बड़ा ऑर्डर देने आप हमारी छोटी सी दुकान में आए? नहीं अभी आप जाइए, कल सुबह मैं खुद आपकी ऑफिस में आऊंगा और ये ऑर्डर अपने हाथों से लिखूंगा, अभी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जेठा भाई, अब आ गया हूँ तो ऑर्डर लिख लो। अरे ऑर्डर बाद में, पहले आपका फेवरेट नाश्ता मंगवाता हूँ, करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बागा विनोद भाई के लिए स्पेशल सूरती अमीरी कमंड और कड़क मसालेदार डबल इलायची वाली चाय लेके आ जा। जी नटू काका। अरे बागा तुम ये अमीरी कमंड कहाँ से लाओगे? वो नुक्कड़ पे एक मस्त फरसान की दुकान है, वहाँ से। जा जा जल्दी जा बागा। नहीं नहीं वहाँ से नहीं बागा, तुमने कालबा देवी देखा है? हाँ। वहाँ पर एक नई दुकान खुली है ओनली फरसान, वहाँ पर अमीरी कमंड बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ से लेके आ। जी विनोद भाई सॉरी, बुरा मत लगाना लेकिन मुझे जरा अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है। क्या मेरा जिगरी दोस्त है ना, उसका लाइफ में जरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं निकलूं? कमाल है जेठालाल, मैं सामने से तुम्हारी दुकान पर इतना बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? सोच समझ कर जवाब देना, वरना तुम्हारा ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है।
अरे विनोद भाई जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या नहीं, बोलो। नहीं। जेठालाल? हाँ, क्योंकि आप मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरी तकलीफ समझते, ऐसे ऑर्डर कैंसिल करने की धमकी नहीं देते। खैर, ऑर्डर देना नहीं देना आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए दोस्त पहले धंधा बाद में। नटू काका, विनोद भाई हमें ऑर्डर भले ना दे लेकिन इनको चाय नाश्ता करा के भेजना। जी सॉरी है विनोद भाई, चलता हूँ। बागा, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जाके चाय नाश्ता लेके आ। और नटू काका, आप LCD और फ्रिज का ऑर्डर लीजिए। विनोद भाई, नटू काका, व्यापारी तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन जेठालाल जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपने दोस्त के लिए अपना धंधा छोड़ने को भी तैयार है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू विनोद भाई। वेलकम नटू काका, वेलकम। ओहो, यहाँ पे मेहता साहब कहाँ बैठते होंगे? भाई साहब, मेहता साहब कहाँ बैठते हैं? कौन मेहता साहब? तारक भाई मेहता। अच्छा अच्छा अच्छा, तारक भाई, वो तो अभी ऑफिस में नहीं है। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन में बात हुई, उन्होंने मुझे बोला वो ऑफिस में ही है, थोड़ा काम में बिजी है। अरे आपको टालने के लिए बोल दिया होगा, वो सुबह ऑफिस आते ही कविता के साथ बाहर निकल गए। कविता के साथ? हाँ, और अभी तक ऑफिस वापस आए नहीं। सुबह से कविता के साथ बाहर निकल गए और मुझसे बोला मैं ऑफिस में हूँ, मुझसे झूठ बोला, अपने जिगरजान दोस्त से झूठ बोला। हाँ बोल दे। क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे आप मेहता साहब की ऑफिस जाने वाले थे तो वहाँ क्या हुआ वो पूछने के लिए फोन किया। अरे दया, मेहता साहब मैं सब घर पे आके बताता हूँ, अभी फोन रख। बस इतना बता दीजिए, सी की सी यार मतलब खबर शेर जैसी है कि लोमड़ी जैसी है? अरे भाई तू अभी सब अपने प्राणियों को पिंजरे में वापस बंद कर दे, मैं घर आकर सब कुछ बताता हूँ, फोन रख अभी। हे भगवान, घर जाके मुझे सच बोलने की और अंजलि बाबी को सच सुनने की हिम्मत देना। दोस्तों, दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ये तमाम ऐसे रिश्ते हैं जो आप चुन नहीं सकते। ये रिश्ते तो ईश्वर के यहाँ से तय होते हैं, लेकिन दोस्ती एकमात्र रिश्ता ऐसा है जो आप चुन सकते हैं और सोच समझ के बना सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त ही दोस्त को धोखा देने लगे तो क्या हो? दोस्त दोस्त से झूठ बोलने लगे तो क्या हो? अगर आपका जिगरी दोस्त, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे झूठ बोले और धोखा दे तो आपके साथ क्या होगा? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सर से आसमान सरक जाएगा, और यही हुआ है जेठालाल के साथ। अब जेठालाल क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी होगा आप जानते हैं, आपको हंसना है जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.